Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? नशा मुक्ति कितना कितनी जरूरी है आज के देश उज्जवल भविष्य के देश को उज्जवल भविष्य के लिए? आज आप जब आप सरहद पे शहीद होते हैं तो कितना मान पूरा देश आपको देता है, तो देश प्रेम की भावना जगाइए, नशे प्रेम की नहीं। नशे को छोड़िए, अपने जीवन को सफल बनाइए, अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि पूरे देश को आपके अंदर हो। जब नशे में होते हैं तो आपका परिवार भी सर झुका के चलता है, और जब शहीद होते हैं तो पूरा देश आपके अंदर चलता है। मैडम, आपने अभी एक अनाउंसमेंट किया कि आप जल्द ही एक नशा मुक्ति केंद्र का खोलने जा रहे हैं, काउंसलिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, ये कब तक हो जाएगा? ये बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने दो तीन जगह देखी है, वहाँ एक बार हम काउंसलिंग पहले प्राइमरी तबके में वो चालू करेंगे, फिर जैसे जैसे नीड होगा हम कॉन्फ्रेंस सेंटर चालू करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू मैडम। सर, नशा मुक्ति केंद्राच्या अंतर्गत पोलीस प्रशासनाचा यापुढे काय धोरण असणार आहे? या पुढे की आम्ही हा कार्यक्रम जनजागृतीचा कार्यक्रम सतत राहणार आहे। अशी कोणी ॲडिक्ट झालेली व्यक्ती आढळली तर आम्ही नशा मुक्ती केंद्रात पाठवणार, जे एनजीओ आहे त्यांना कळवणार, की कॅप्टन शर्मा सारखी व्यक्ती आहे त्यांनाही आम्ही ताबडतोब सांगणार की त्या ठिकाणी त्यांना पुढची ट्रीटमेंट मिळेल अशी व्यवस्था करणार। न करते हुए जो आज गीता मैडम ने जो रैली निकाली, उस माध्यम से हम लोगों ने आज जो लोगों को शहर को मीरा भाईंदर शहर को मीरा रोड को संदेश देने का जो काम किया, उसका उन्होंने कहीं ना कहीं उसका लाभ लेना चाहिए। और जो अभी नशे में अगर उनको होगा तो उन्होंने इस रैली के माध्यम से, और अभी हमारे सामने भी बताया कि जो एडिक्ट लड़के हैं उनके लिए हम सेवा भी देते हैं, तो ये सब अगर लगे हुए तो उन्होंने उसका फायदा लेके वहां से उन्होंने छुटकारा लेना चाहिए। धन्यवाद। विजय जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ड्रग्स के रिगार्डिंग? क्या 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 सबसे पहले मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभियान किया गया है ये सिर्फ युवाओं के लिए है, उसके अलावा और भी जितने लोग नागरिक हैं मीरा भाईंदर के शहर के, सभी नागरिकों के लिए है कि ये जागरूकता लोगों में आए कि नशापत्ती क्या हुई, और हमारे देश के कोई भी राज्य का कोई भी स्टेट का कोई भी देश की प्रगति तभी होती है जब युवाओं का आगे होता है, और युवाओं का यहाँ पे सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो सहयोग खाली ये देना है कि उन्हें नशापत्ती से मुक्त करके जो उनकी प्रायोरिटी है जो उनका बेसिक हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और फिर आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।